की मौत का सबब बना। पति ने शक किया तो पत्नी ने जहर गटक लिया, उसकी मौत हो गई। नंदनवन थाने में आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतक का आरती सचिन उरकुड़े जूना बगड़गंज स्थित कुंभार टोली निवासी है। शनिवार को किसी अपरिचित व्यक्ति का आरती को फोन आया था। आरती का कहना था कि वह फोन किसका है उसे नहीं पता, लेकिन पति को यह लग रहा था कि वह उससे झूठ बोल रही है। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। पश्चात सचिन घर से चला गया। इससे आहत होकर आरती ने जहर गटक लिया। हालात खराब होने पर उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सहायक उप निरीक्षक सविता यादव ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया है। जांच जारी है। सदर महिला नाव है आरती सचिन उरकुड़े। सदर जी महिला ही कुंभारटोल येथे राहते। तिच्या लग्नाला 11 वर्ष झाले, तिला 2 मुले आहेत। दिनांक 4/6/2022 ला सायंकाळच्या वेळी तिचा पती घरी आला असताना ती फोनवर बोलत होती, तेव्हा तिने पतीने विचारले ती कोणाशी बोलत आहे। यावरून तिला राग आला आणि रागाच्या भरात तिने घरात ठेवलेले गहू तांदळाच्या वापरासाठी असलेलं सल्पाज नावाचे औषध प्राशन केले। त्यानंतर तिची प्रकृती बिघडल्याने तिला लकडगंज पोस्टेच्या हद्दीतील सनराईज रामदेव बाबा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करण्यात आले। त्यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती, तिचं बयान पण झालं, पण नंतर अचानक प्रकृती बिघडल्याने ती काल सकाळी 8:30 दरम्यान मरण पावली। सदरची देह एमर्जन्सी आम्हाला प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही सदरची पुढील कारवाई केली आणि सदर बाबा जर तिचा पती माहिती घेतली असेल तर पती हा पेंटिंगचे काम करतो। सध्या तरी कोणावर काही संशय तक्रार नाही आहे, अधिक तपास सुरू आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज नागपुर।